हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेजर पेपर टू जूलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीएम केयू का। तो इसमें जो आपका मेजर पेपर टू है जिसका नाम है सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट, इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, कौन सा शॉर्ट में पूछा जाता है और इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। तो पेपर का नाम है सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट। सबसे पहले एग्जाम में पैटर्न क्या होगा, तो आपको ग्रुप ए में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, उसके बाद ग्रुप ए में ही दो क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में लिखना होगा, और उसके बाद ग्रुप बी में जो होगा आपका 6 ऑप्शन क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 आपको सेलेक्ट करके लिखना है। याद रखिएगा 4 ही लिखिएगा और अच्छा से लिखिएगा, सुंदर हैंडराइटिंग से और ड्राइंग बनाइएगा। एग्जाम में सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बनाइएगा, मतलब ग्रुप बी को सबसे पहले बनाइएगा, उसके बाद ग्रुप ए को बनाइएगा। यह है सबसे अच्छा तरीका मतलब मेजर पेपर में मार्क्स उठाने का। तो इसमें सिलेबस में है सबसे पहला यूनिट वो है प्रोटोकॉर्डेट्स। इसमें आपको ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट एंड जनरल फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ हार्डमेनिया, फिल्टर फीडिंग एंड ब्रांचिंग स्टोमा, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। फीसेस, इसमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ फीसेस, इसमें जो है आपको फीसेस का जनरल कैरेक्टर भी आपको पता होना चाहिए और इसका डाइवर्सिटी कैसे हुआ है डिप्नॉय में वो आपको फिर पढ़ना है। ये भी आपका लॉन्ग का टॉपिक है। ज़्यादातर इस पेपर में टॉपिक जो है वो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ गिल एंड रेस्पिरेशन, जिसमें आपको पढ़ना है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंटेलोस्ट, ये भी आपका लॉन्ग में पूछेगा। उसके बाद एम्फीबियंस डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन अप टू लिविंग ऑर्डर एंड एडेप्टिविटी ऑफ ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, इसमें आपको एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और ये कैसे एडेप्टेशन हुआ है, मतलब दो लाइफ ड्यूअल लाइफ कैसे जीता, मतलब एम्फीबिया जो होता है वो वाटर में भी रहता है और लैंड के ऊपर भी रहता है, तो इसका ड्यूअल लाइफ कैसे इसका एडेप्टेशन हुआ है ये आपको पढ़ना है इसमें। ये भी लॉन्ग पूछेगा। एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन और इसका जनरल कैरेक्टर आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। फीसिस का जनरल कैरेक्टर वो भी आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा। उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, ये जो ओरिजिन इवोल्यूशन है ये आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। नियोटिनी और ऑक्सिलेटर लार्वा, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल स्कल टाइप, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा। डायनासोर एंड कॉजेज ऑफ द एक्सटिंक्शन, ये भी लॉन्ग में पूछा जाएगा। पॉइजनस एपारेटस एंड स्नैक, ज़्यादातर ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ विनोम एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है इसको। एप्स, इसका है फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट, इसका आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद मेमेलिया, इसमें ओरिजिन जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एफिनिटी, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ओरिजिन आपका लॉन्ग में पूछ लेता है। उसके बाद स्पेशल फीचर ऑफ प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया यूथेरिया, टॉपिक ये लॉन्ग का टॉपिक है लेकिन आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इसका एफिनिटीज पढ़ना है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको हिंदी में जान लीजिए, जनरल कैरेक्टर इंग्लिश में याद रखिए और हिंदी में एटलीस्ट ट्रांसलेट करके याद रखिए कि आखिर वो होता क्या है, और एग्जाम में अगर ये आए तो आप बना के लिख सकते हैं। उसके बाद कॉम्परेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसमें हार्ट, एरोटिक आर्क, किडनी, इंटिगमेंट, ये आपका लॉन्ग में ही पूछा जाता है। जैसा मेरा मतलब जैसे मेरे वीडियोज़ में जो नोट्स होते हैं आप उसको देखिएगा तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा, प्लस उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो लॉन्ग आंसर टाइप के लिए ओरिजिन एंड जनरल फीचर ऑफ कॉर्डेट्स को याद कर लीजिएगा एकदम अच्छा से। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड टेलोस्ट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, डायनासोर एंड कॉजेस ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट, किडनी एंड इंटिगमेंट, ये तीनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन मतलब आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको 4 लिखना है। आपका क्वेश्चन क्या बोलते हैं जैसा मेरा नोट्स में होता है आप उसी तरह आंसर लिखिएगा, आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट नोट में प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया यूथेरिया एम्फीबिया मेमल्स रेप्टेरिया पॉइजनस एपारेटस इन स्नैक टाइप्स ऑफ फिनम, ये जो टॉपिक सब है आपको शॉर्ट नोट में करना क्या है, तो आपको एक रफ मतलब होता है ना उसके बारे में आइडिया रखिएगा कि वो होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन आप होता है ना जीके में जैसे याद किया जाता है ट्रिक वाइज, तो आप वो थ्योरी आप इस पर भी अपना सकते हैं शॉर्ट नोट में याद करने के लिए। बाकी लॉन्ग को बहुत अच्छा से याद कीजिएगा, एग्जाम में सबसे पहले लॉन्ग बनाइएगा, उसके बाद ही ग्रुप ए को बनाइएगा।